प्यार में कोई नफरत करता है तो कोई पाना चाहता है। प्यार में किसी को सब कुछ देने के बावजूद भी जवाब नहीं आता, कितने भी मैसेजेस कर लो उधर से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, कितनी भी बार फोन कर लो पर सामने से कोई व्यक्ति हमें उसका आंसर नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं वो आंसर नहीं दे करके आपको आंसर दे रहा हो? ये बहुत सारे भवजाल हैं प्यार करने में, रिलेशनशिप रखने में, संबंधों को मधुर बनाने में कितना मुश्किल काम है। ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं सिर्फ एक मूली यहां रख देने से। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं को ओतपोत करके, यानी आपके प्यार में, संबंधों में, रिलेशन में, रिश्तों में, आपकी शादीशुदा लाइफ में, वैवाहिक जीवन में मधुरता भरने का, रिश्तों को सुधारने का, संबंधों को आपके अनुकूल बनाने का एक अद्भुत साधन है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, मंत्रों के सार आपको बताए जाते हैं। रोज वो उपाय बताए जाते हैं जो वेदोक्त हैं, शास्त्रोक्त हैं, प्रमाणोक्त हैं और पूरी तरह से प्रमाणित हैं। लाभ लिया गया है लाखों लोगों को, उसके बाद आपको बताया जा रहा है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। हमारे यहाँ 20 लाख से कहीं ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यह श्रृंखला निरंतर जारी रखी गई है। प्यार में क्यों जवाब नहीं आता? हम किसी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला उस बात की अहमियत नहीं रखता। संबंधों को क्या एक तरफ से जांचा परखा जा सकता है? सारी की सारी कवायतें क्यों हमारे साथ ही हैं? हमने ऐसा क्या खराब किया है, क्या बुरा किया है, क्या बिगाड़ा किसी का कि हमारा संबंध इतना खराब है? प्यार करना गुनाह है क्या? क्या यह अपराध है क्या? क्या 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 हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया? क्या दुनिया में सब सुखी हैं, हम ही क्यों दुखी हैं? इन सब बातों का सीधा जवाब है, मैं कह रहा हूं, आज एक मूली यहां दबा देने से आपके जीवन की ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। शादी चल नहीं रही हो, या शादी हो नहीं रही हो, या शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा हो, संबंधों में मधुरता की कमी हो, प्यार चल नहीं पा रहा हो, या प्यार पीछे हट रहा हो, प्यार धोखा दे रहा हो, रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो, कारण कितने ही हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, पर निवारण आज सिर्फ मूली से होगा। इसका पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूं। एक छोटा सा वॉइस मैसेज, वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए। बस गुरु जी आपसे यही कहूँगी कि सदा अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखिए और अंत तक हमारा साथ दीजिए। बस हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, क्योंकि हमें आप पे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और आपके हर मनोरथ की सिद्धि करे, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि आपके अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। आपके हर एंगल से फोटो मांगने वालों से तौबा कर लो। प्यार करने वाला तुम्हारी उल्टी सीधी फोटो नहीं, तुम्हारा दिल मांगता है, तुम्हारा समय मांगता है, तुम्हारा स्नेह मांगता है, तुम्हारा तुमसे अच्छे संबंधों के लिए बेहतर रिलेशन मांगता है, आपकी खुशियां मांगता है, आपको हंसता हुआ देखना मांगता है। प्यार में लोग आपका मिसयूज नहीं करते, आपको यूजफुल बनाते हैं, आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, आपको कीमती बनाते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं, आपको महंगा करते हैं, आपकी स्पेशलिटी बढ़ाते हैं। स्वार्थ को प्रेम कहा नहीं जाता। प्यार में लोग कहते हैं कि मैं अगर मांगूं कभी हरगिज न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगूं तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं, ऐसा कहते हैं। आदान प्रदान करना, स्वार्थ बीच में रखना, बीच में अपनी बेनिफिट्स की व्यवस्थाएं रखना, ये सब व्यापार है, प्यार नहीं है।
अगर तुम्हारे संबंधों में व्यापार होता रहा है और तुम प्यार करते रहे हो तो उसके सुधार का भी साधन है। तुम अपने दिल से मजबूर हो, तुम्हें सब पता है, सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद तुम चीजें ठीक नहीं कर पा रहे। तुम भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी तुम्हारी स्थितियां बहुत विषम बनती जा रही हैं। ये पता ग्रह नक्षत्रों से होता है, ये एनर्जी से होता है। कोई तो ऐसी ताकत है, कोई तो ऐसी पावर है जो आपको इस रूप में चलायमान कर रही है। कोई तो ऐसा समय है, कोई तो ऐसी चीज है। ग्रह का वास्तु दोष हो सकता है, आपके अपने ग्रहों का कुचक्र हो सकता है, पारिवारिक दंश हो सकता है, जो कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले शायर सिंह सपूत। पारिवारिक बेनिफिट का लाभ आपको मिलता है। परिवार में अगर पुण्य कर्म हुए होंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, दुष्कर्म हुए होंगे तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी ने बहुत सारे प्रसाद बांध रखे हैं, बहुत सारी चीजें कह रखी हैं कहीं कुछ करने की और नहीं किया है, उसका भी आपको सुख दुख भोगना पड़ेगा। परिवार में कोई भी वस्तु आती है आप सब मिल बांट के खाते पीते हो, जरा ध्यान रखना, बुरे कर्म भी आते हैं तो मिल बांट के ही मिलेंगे आपको, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही बराबर बराबर बटेगा। जैसे सुख बटता है, जैसे पैसा बटता है, जैसे संपत्ति बटती है, वैसे ही पाप कर्म और बुरी चीजें बटती हैं, बुरी बुरी शक्तियां भी वैसे ही बटती हैं सबके साथ में बराबर बराबर। ये बात बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जर जस जही का घर भकरी तस तही का फरी का, जस जही का बाप महतारी तस तही का लरिका। कहने का सीधा संबंध है, आपको जो भी कुछ मिलता है वो आपके जो जो पीछे से नेड़ो है ना, आप उसको जैसे भी समझते होंगे, आपका जो बेसिक जन्म का एक एक वास्तविक द्रव है, एक ऐसा लिक्विड है जो आपकी पैतृकता से आपको मिला है। हेडिट्री बोलते ना, ये बीमारी मुझे हेडिट्री है, मेरे घर वाले में सबको थी, हमको भी है। ये जो हेडिट्री वर्ड है ना, ये उस चीज पर काम करता है। सुख दुख, अच्छी चीजें बुरी चीजें, ये सब चीजों का सम्मिश्रणीकरण है, और एक अच्छा गुरु इन सब चीजों पर प्रॉपर ड्राइव करता है। एक अच्छा ड्राइवर कितनी भी खराब रास्ता हो उस पर बेहतर ड्राइव कर सकता है। एक अनाड़ी ड्राइवर अच्छी खासी रोड पर भी लड़ा या भिड़ सकता है या बिगाड़ सकता है आपकी गाड़ी को। तो साहब, सबसे पहला काम है कि आपका अगर प्रेम सच्चा है, अगर आपके संबंध सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, विशुद्ध हैं और सच्चे प्रेम की फीलिंग है किसी भी रिश्ते में, उस रिश्ते को सुधारने के लिए पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों इनके चक्कर में पड़ जाना, ये जितने भी पाखंडी पंडित भी हैं, केवल मुल्ला मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भी लोगों को उतना ही डांट रहा हूं, ये पाखंडी मुल्ला मौलवी ही नहीं, कुछ बने हुए पंडित भी हैं, उनसे भी बच के रहिए। ज्ञानी श्रेष्ठ अच्छे कुल का सही जानकार जो विज्ञ हो, देखो जन्म से कोई पंडित नहीं होता, साक्षरता चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो जानकारी चाहिए। आप उस कार्य को कर सकते हो। वो नॉलेज, वो जानकारी है या नहीं है, इस बात का पता लगा करके आगे बढ़िएगा। कुछ भी मत सुनिएगा, किसी को भी मत सुनिएगा। सुनने के पहले तुम कदरदान हो, इस बात पर ध्यान रखना कि तुम्हें अपने कदरदानी पर गर्व होना चाहिए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर चला रहा हूं जिस पर चल के तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारा काम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज एक मूली तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में खूब सारा प्यार भर सकती है। आज मैं कह रहा हूं एक मूली तुम्हारे संबंधों को पूरी तरह से प्रगाढ़ बना सकती है। मैं कहता हूं कि आज एक ऐसी गांठ मूली से बंध सकती है जो तुम्हारे रिश्ते को, संबंध को, रिलेशन को, प्यार को पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में खड़ा करेगी। आपको पता है मूली को लेकर के मैंने कई सारे उपाय पहले भी बताए हैं और सच मानो बहुत कारगर हुए, इसीलिए हम भाग टू भाग थ्री पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आप समझने का प्रयत्न करना, मैं उनको ही रिपीट करके तुम्हें दूंगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तुम इस बात पर निश्चिंत रहना कि तुम्हारे लिए मैं पूरा स्वार्थी हूँ। तुम जिसमें बेनिफिट ले सको उस चीज को मैं बारंबार अलग अलग तरीके से लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा और उसके, और सच मानना मेरे पास अभी एक एक सामग्री के एक एक लाख उपाय पड़े हैं। मैं उपायों को लेकर के 150 बुक्स अलग से अलग लिखने जा रहा हूं,
उस पर भी काम करेंगे। सिर्फ उपाय होंगे, अगर हम मूली पे बात करेंगे तो मूली, जैसे अभी हम लव विद एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, वैसे मूली विद एस्ट्रोलॉजी करेंगे। सिर्फ मूली के उपाय होंगे 1000 पेज में। तो साहब समझने का प्रयत्न करना, अभी तो हम सिर्फ वानगी दे रहे हैं तुमको, अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है, अभी बहुत कुछ शेष है। आज मैं कह रहा हूँ एक मूली तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मेरे अंदर बल इसलिए आता है क्योंकि मैं उसके हजारों उपाय करोड़ों उपाय जानता हूँ, एक आध तुम्हें शेयर करता हूँ। बताता तो सिर्फ इतना ही हूँ अभी, अभी तो तुम्हें वानगी दे रहा हूँ। वानगी तुम समझते होगे ना, सैंपलिंग कर रहा हूँ अभी, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, धीरे धीरे तुम्हारे सामने आता जा रहा है, धीरे धीरे वो पटा, वो कपाट, वो द्वार पिधान खुल रहे हैं धीरे धीरे आपके सामने। एक मूली तुम्हारे जीवन को मधुरता से भर देगी। तो चलो शुरुआत करते हैं एक मूली का सही उपाय। आपको क्या करना है, एक मूली लेना है और इसे पंचामृत से थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांच चीजों को मिला करके इस धूली मूली को स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। मूली बहुत बड़ी बहुत विशाल मत रखिएगा, मिनिमम आपके हाथ के बराबर की होनी चाहिए और मैक्सिमम तो घर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब जो सबसे स्मॉल साइज मिले वो आप लेके आइएगा। अब आपको क्या करना है, इस पंचामृत से बहुत थोड़े से पंचामृत से उसे स्नान कराइएगा। स्नान कराने के पश्चात इस मूली के ऊपर रोली, सिंदूर, अष्टगंध, चंदन इत्यादि से स्वास्तिक बना दें, इनमें से कोई भी सामग्री से स्वास्तिक बना दें और जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया है बस उसी जगह पर एक नीम, तुलसी या आम की छोटी सी लकड़ी उसे बीचों बीच में दबा दें और अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारें। कहीं पर भी जलाशय के पास में या बड़े पेड़ के पास में इसको जमीन के अंदर खूब अच्छी तरीके से दबाइएगा। वहां आसपास थोड़े पत्थर कंकड़ इत्यादि डाल दीजिएगा ताकि ये पूरी तरह से दब जाए। ये जितना ज्यादा दबेगी, ये जितना ज्यादा इस पर लोड पड़ेगा, उतना ज्यादा लोड तुम्हारे प्यार पे, तुम्हारे संबंध पे, उसके दिमाग पे, उसके बुद्धि पर, उसके चित्त पर और उसके जहन पर पड़ेगा। लेकिन कौन सा जोर, ये निगेटिव नहीं है, ये खराब नहीं है, ये बिगाड़ने वाला नहीं है, इससे कोई हार्मफुल रिजल्ट्स नहीं आते, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। कौन सा जोर पड़ेगा, तुम्हारे प्यार का जोर पड़ेगा, तुम्हारी मधुरता का जोर पड़ेगा। और देखो कितना अद्भुत है, ना इसमें आपको अपने पार्टनर का नाम बताना है, ना ही अपने नाम से कुछ करना है। जैसे ही ये क्रिया करते हो ना, अपने आप एक अंडरस्टूड एनर्जी क्रिएट होती है जिससे आपके काम का बहुत बल बढ़ जाता है। ये कुछ मूर्खों के लिए तो हो सकता है हास्यप्रद होगा, सत्य मानो मैंने एक दो बार नहीं सैकड़ों हजारों बार इसका बेनिफिट कराया है। जब भी कराया आज तक सिंगल टाइम फेल नहीं हुआ ये उपाय। बस एक ही बात ध्यान रखना है, ये उपाय, क्योंकि मैं फिर कहूं ये बात जमीन से रिलेटेड है, ये काम आप सिर्फ बुधवार को मत करना। कब नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बुधवार मत करना, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है, जिस भी दिन चाहे ये उपाय किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, क्योंकि जब तुम ये उपाय कर रहे होगे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे चिंतन में आपकी अपनी बात होगी कि मैं क्यों कर रही हूं या क्यों कर रहा हूं। बस वो जो क्यों कर रहे हो वाला है ना, बस उस समय जब तुम अपने जहन के ऊपर से उतारोगे तो वो क्यों को बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उस क्यों को जवाब मिलेगा कुछ समय के बाद और आपका काम होगा। भगवान शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें, तुम्हारा हर मनोरथ सिद्ध करें। अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखते हुए अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो आपका काम जल्दी होता है। आपको गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, आपको निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, धैर्य रखने की आवश्यकता होगी और खूब प्यार से रहने की आवश्यकता होगी। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना बिलखना, परेशान होना, निगेटिव बातें सोचना, उल्टा सीधा मन में रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, यह सब मना है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं होने की संभावना सतत बढ़ जाती है। तो ऐसा आप नहीं करें, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो। मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है।